Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों chapter number 18 Public Finance in India को हम continue करने के लिए जा रहे हैं. दोस्तों याद होगा ये सारे के सारे topic हम कर चुके हैं. आज की class में मैं दो topic कराऊंगा जो आपस में इतने ज़्यादा interdependent हैं कि दोनों को करना एक साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Topic का नाम है हमारे पास पब्लिक डेट क्या होता है और इसको किस तरीके से हम अपने पास क्या करते हैं मैनेजमेंट करते हैं यानी इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट. ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल सेम टॉपिक चलेंगे, इसलिए हम दोनों टॉपिक को आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये टॉपिक बुक के अंदर कहाँ दे रखा है थोड़ा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये वाला टॉपिक आपको ये दे रखा पब्लिक डेट. ये देखिए पब्लिक डेट दे रखा है और इसके बाद हमारे पास ये वाला टॉपिक दे रखा है इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट. ठीक है, मैं आपको एक एक चीजें कराता हूँ लेकिन पहले आपका एक अच्छा सा बेस बनाऊंगा और बेस बनाने के बाद हम सीधा फिर बुक की ओर आएंगे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा बेस होता है उतनी चीजें हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास. देखो बात को ना बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ. देखो लेट सपोज कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा कि हम साल 2022-23 का बजट बनाने वाले. कब का? 2022-23 का बजट बनाने वाले. तो जब ये लोग बजट बनाएंगे अपने पास तो क्या होगा, ये आने वाले साल के अंदर यानी 21-22 जो हमारा ईयर आने वाला है ये उसके लिए एस्टिमेट करेंगे. लेट सपोज, अच्छा मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए. लेट सपोज कि इन्होंने एस्टिमेट किया कि हमारे यहाँ पर जो हमारी रिसीट होंगी, ठीक है, एस्टिमेटेड जो इनकी रिसीट होंगी लेट सपोज वो होंगी 100 करोड़ की और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो होंगे 120 करोड़ के. क्योंकि देखो कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो नो डाउट खर्चे ज्यादा होंगे इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए भी सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा. अब एक बात बताओ, नो डाउट अब गवर्नमेंट के पास 20 करोड़ रुपए का क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है. क्या आ रहा है? 20 करोड़ का डेफिसिट आ रहा है. इसको क्या बोलते हैं? बजटरी डेफिसिट. ठीक है, या हम कुल मिला के बोल सकते हैं डेफिसिट. ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, कमी आ गई 20 करोड़ की. अच्छा 20 करोड़ की जो यहाँ पर कमी आ गई, ऑब्वियस ही बात है आप गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा, इस 20 करोड़ की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना. क्योंकि जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इतना खर्चा करना है तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी. और हम जानते हैं कि जो भी बजट होता है वो हमारे दो लेवल में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल बजट जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं और एक हमारा होता है स्टेट बजट. तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारत के संविधान में कई सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं. तो क्या है कि हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसका नंबर है आर्टिकल नंबर 292. ये आर्टिकल ये पावर देता है कि अगर कंट्री के अंदर डेफिसिट का केस आता है तो आप बोरिंग कर सकते हो. लेकिन ये पावर किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि आप यहां पर बोरिंग्स कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? बोरिंग्स कर सकते हो यानी उधार ले सकते हो. किससे लोगे ये बात का मैटर है, लेकिन आप फिलहाल उधार ले सकते हो. इसी तरह से एक बजट बनता है जो स्टेट लेवल का बनता है, उसमें भी हमारा भारत का संविधान सेम चीज बोलता है. क्या बोलता है कि अगर डेफिसिट आता है तो आप उधार ले सकते हो, लेकिन उसका जो आर्टिकल नंबर है वो 293 है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने पास? बोरिंग्स कर सकती है. लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा पावर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, स्टेट को थोड़ी कम पावर दी गई. किस मामले में दी गई है कि ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोरिंग करेगी वो विद इन कंट्री करेगी, विद इन कंट्री यानी वो बाहर की कंट्री से या बाहर की किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन नहीं ले सकती है, उसको इंटरनली अपनी स्टेट से अपनी कंट्री से ही वो बोरो कर सकती है, उसके बाहर नहीं कर सकती है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोरिंग बाहर से कर सकती है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो बाहर से बोरिंग कर सकती है. अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, बात यह है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, ये बोरिंग जो है विद इन कंट्री भी कर सकती है यानी अपने देश के लोगों से भी कर सकती है और आउटसाइड कंट्री भी कर सकती है. आउटसाइड कंट्री भी अपने पास बोरिंग्स कर सकती है. ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा मैटर है, उसके हिसाब से चीजें की जाएंगी. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक बार बताओ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे काम करती रहेगी क्या? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना टाइम है कि वो ये सारे काम करेगी? हाँ बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि हमें विद इन कंट्री लोन लेना चाहिए आउटसाइड कंट्री लेना चाहिए? तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बजट था, यूनियन बजट 2015-16, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनियन बजट 2015-16. इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा PDMA. ठीक है, PDMA की फुल फॉर्म क्या होगी? पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक्ट. पब्लिक डेट
मैनेजमेंट एक्ट, एक्ट नहीं सॉरी एजेंसी, आई एम रियली सॉरी गाइस, एजेंसी, ठीक है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी इन्होंने पास किया प्रपोजल सन 2015-16 के अंदर। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था डिसाइड करना कि बोरिंग कहां से की जाएगी और कहां से नहीं की जाएगी। तो इसने कहा कि देखो ऐसा है, हम पावर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो यह है कि अगर आपको बोरिंग करनी है तो एक तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बोरिंग कर ले, क्योंकि आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और इसके अलावा कौन कर सकता है, हमारा पीडीएमए कर लेगी, मतलब कुछ पावर पीडीएमए ने अपने पास रख लिया और कुछ पावर किसको दे दी, आरबीआई को दे दी। दोस्तों याद रखना ये सारी बातें मैं इस 20 करोड़ के लिए कर रहा हूँ कि जो डेफिशिएंसी आई है इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या था, पीडीएमए, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक्ट। सर ये पब्लिक डेट क्यों बोला गया, पब्लिक का पैसा थोड़ी उधारी पर है दोस्तों। गवर्नमेंट, हम बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लोगों ने हमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनकर भेजा है, तो अगर वो उधार लेंगे तो ऑब्वियसली होता है पब्लिक ने ही उधार लिया ये माना जाएगा। तो मैं ये सारी की सारी बातें कर रहा हूँ, जो हमारा डेफिशिएंसी आया ना 20 करोड़ का, उस पैसे को कहां से इकट्ठा किया जाएगा। तो एक तो आरबीआई अपने तरीके से इकट्ठा करेगी और एक पीडीएमए करेगी, यानी पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक्ट अपने तरीके से क्या करेगा, यहां पर इकट्ठा करेगा। तो यहां से ना आपने सबसे पहली चीज क्या सीखी, देखो अभी हमारे 7 मिनट हुए वीडियो को, इन 7 मिनट में आपने क्या सीखा एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट बजट बनाते टाइम कोई डेफिशिएंसी यानी कमी आ जाती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 292 में ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अपनी कंट्री से या बाहर वाली किसी भी कंट्री से पैसा बोरो कर सकती है। कौन से आर्टिकल में लिखा, 292। दोस्तों ये आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस स्टूडेंट को आर्टिकल्स याद होते हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप एग्जाम में टॉप करो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली भी नॉलेज हो कि हमें कौन से आर्टिकल का क्या नंबर क्या चीज बोलता है। तो आर्टिकल 292 क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री लोन ले सकती है। और आर्टिकल नंबर जो अगला है हमारा 293, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि वो बोरिंग कर सकती है डेफिशिएंसी के केस में, लेकिन वो अपनी कंट्री में ही रहकर ये काम कर सकती है। अब क्या हुआ, इन सब बोरिंग्स को लेकर मैनेजमेंट हिलने लगा। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम थोड़ा सा अपने एक इस काम को किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को दे दें तो काम अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो यहाँ पर यूनियन बजट जो हमारा पेश किया गया था सन 2015-16 के अंदर, तो यहाँ पर एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। इसका काम क्या होगा, ये डिसाइड करना कि किस तरह से इस 20 करोड़ के फंड को जो डेफिशिएंसी है कहां से इकट्ठा किया जाए। ये मैनेजमेंट करने का काम किसका होगा, पीडीएमए का होगा। पीडीएमए ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी तो अपने पास रख ली और कुछ रिस्पांसिबिलिटी किसको दे दी, आरबीआई को तो दे दी। यानी ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम अपने पास जो डेट्स हैं उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, देखो आरबीआई का मेन काम नहीं है बट आरबीआई फिर भी काम करता है। देखो आरबीआई एक्ट जो है हमारा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बैंकिंग में पढ़ाया भी था आपको कि आरबीआई को लेकर हमारे पास एक आरबीआई एक्ट है जो कि 1934 के अंदर बनाया गया था। इस आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कुछ पावर नहीं दी गई इस टाइप की, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग से करता आ रहा है तो ऐसा ट्रेडिशन बन गया कि आरबीआई को ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आरबीआई की जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं उनमें ये चीजें नहीं लिखी कि वो इस टाइप का कोई काम करेगा, बट फिर भी आरबीआई स्टार्टिंग से करती आ रही है तो हमें ऐसा लगने लगा कि आरबीआई का ये मेन काम है और यही उसे करना चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये सर समझ पा रहे हैं। अच्छा अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 20 करोड़ का हमारा डेफिसिट आया है, जब हम इसको उधार लेने के लिए जाएंगे तो क्योंकि देश की उधारी है तो इस 20 करोड़ को डेफिसिट तो बोलते हैं, लेकिन ये बजट के सेंस में बोलते हैं, बट रियल सेंस में ये जो हम कल को लोन लेंगे 20 करोड़ का, इस 20 करोड़ के लोन को हम अपने पास नाम देते हैं नेशनल डेट का। क्या नाम देते हैं, नेशनल डेट। तो आई होप गाइस कि आपको ये छोटी सी टर्म भी समझ आ गई होगी कि नेशनल डेट का मतलब क्या होता है। नेशनल डेट का मतलब है कि जब हमारा गवर्नमेंट बजट माइनस में आ जाता है तो उस केस में जरूरी नहीं कि 20 करोड़ का पूरा पैसा गवर्नमेंट जो है वो उधार ले, वैसे पूरा उधार लेना पड़ेगा वरना खर्चे कहां से करोगे। तो जो भी उसने उधार लिया है उसको कहा जाता है नेशनल डेट, क्योंकि पूरे कंट्री के लेवल पे लिया जाता है, ये आप ऐसे नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपने पब्लिक डेट के बारे में यहां पर बता दिया। अब क्या होता है, मेरी बात को सुनो, अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, ये मैंने आपको आर्टिकल वगैरह सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। अब क्या हुआ, हमारा एक फाइनेंस कमीशन है, अब ये सारी चीजें जो है ना फाइनेंस कमीशन ने की। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैं स्टोरी समझा रहा हूँ पूरी। स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है क्या हमारे पास इनसे कम पावर क्यों दी गई, भाई कल को हमें भी तो जरूरत पड़ सकती है ना कि हमें बाहर के लोन की जरूरत, तो हो सकता है हमारे विद इन कंट्री लोन महंगा मिल रहा हो लेकिन बाहर की जो जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या जिसको हम आईबीआरडी बोलते हैं, या फिर हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, हो सकता है वो सस्ते लोन पर कंसेशनल रेट पर लोन दे रहा हो, बात बिल्कुल सही है। तो एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पर 12th नंबर की, ठीक है,
फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई। और क्या रिकमेंडेशन थी? रिकमेंडेशन मतलब है एक तरह से ये दलील आई कि स्टेट गवर्नमेंट को भी वही पावर देनी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इन्होंने ये जब अपील फाइल की तो यहाँ पर क्या हुआ, 12वें फाइनेंस कमीशन के अंदर ये डिसाइड कर दिया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो बाहर से भी बोरिंग कर सकती है। यानी इस कमीशन के थ्रू अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आउटसाइड लोन लेने का अधिकार दे दिया गया कि वो आउटसाइड से भी लोन ले सकती है। मेरी बात को समझो, ये पूरी कहानी सीक्वेंस वाइज बता रहा, जिससे आपको पता चले कि हाँ पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पर पब्लिक डेट लिया जाता है। पब्लिक डेट मतलब जो हमें नेगेटिव आ रहा है उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी। अब ध्यान देना, आपको ये एजेंसी समझ आएगी और आरबीआई और पीडीएम में भी समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब लोन लिया जाता है, ठीक है, ध्यान से सुना, जैसे पीडीएम है ना, यानी पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी है, ये क्या करेगी, जब भी लोन लेने के लिए जाएगी, ये जब भी बोरिंग्स यानी उधार लेने के लिए जाएगी, तो ये इसके पास उधार लेने के लिए कितने रास्ते होंगे, टोटल कुल मिला के इसके पास होंगे तीन रास्ते। कितने रास्ते? तीन रास्ते होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, हम एक एक करके तीनों रास्तों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। एक तो हमारा होगा नंबर वन, इंटरनल बोरिंग्स। क्या होगी? इंटरनल बोरिंग्स। एक होगी एक्सटर्नल बोरिंग्स, एक्सटर्नल बोरिंग्स। और एक होगा पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी, पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी। ये तीन टाइप के हमारे पास चीजें होंगी बोरिंग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इस टाइप की कोई लायबिलिटी प्रैक्टिकली होती नहीं है, यही दो होती है प्रैक्टिकली भी। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, इंटरनल बोरिंग का मतलब है कि अगर हम उधार लेना चाहते हैं तो हम अपने देश के अंदर रहकर ही उधार लेंगे। अगर हम उधार लेना चाहते हैं तो हम अपने देश के अंदर रहकर ही उधार लेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। जिसके लिए क्या क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज ये होती है जिसको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? डेटेड सिक्योरिटी। बेसिकली डेटेड सिक्योरिटी को ही हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर मैं इसको डेटेड सिक्योरिटी ना लिखकर अगर मैं यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं ये चीज लिख सकता हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या नाम है इसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है कि जैसे कल को गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ जाए, जैसे मैंने अभी नहीं बताया कि 20 करोड़ के फंड की जरूरत पड़ गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरनल बोरिंग मतलब अपने देश में रहकर बोरिंग करेगी। किस तरीके से? ये पब्लिक को बोलेगी कि आप हमें ना लोन दो। और ये वाला जो लोन होता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला, ये आपका लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, ये आपका शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, और ये आपका मीडियम टर्म का भी हो सकता है। किसी भी टाइप का यहाँ पर ये लोन लिया जा सकता है। और यहाँ पर याद रखना कि सबसे मेन चीज है कि गवर्नमेंट जो बोरिंग्स कर रही है वो डायरेक्टली पब्लिक से कर रही है। और किसके थ्रू कर रही है? बदले में क्या दे रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है, जिसको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको प्रेस्क्राइब इंटरेस्ट मिलेगा और फिर आपको ये पेमेंट कर दी जाएगी। तो फिलहाल अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बाहर से पैसा उधार ले रही है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। दूसरा, गवर्नमेंट इंटरनल बोरिंग के रूप में क्या कर सकती है, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोलते हैं इसको, याद रखना। ठीक है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट खुद ना करके आरबीआई को बोलती है, ये आरबीआई का रोल आ गया यहां पर। ठीक है, तो आरबीआई को बोल दिया गया कि आरबीआई एक काम करो, तुम हमारे बिहाफ पे मार्केट में क्या इशू करो, सर्टिफिकेट इशू करो, जिसको बोलते हैं टी बिल। और याद रखना जो ट्रेजरी बिल होता है ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। इनकी एक खास बात क्या है? डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और पार पे रिडीम किए जाते हैं। सर ये क्या वर्ड आप बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आया। देखो, इशू करने वाला होता है डिस्काउंट पे। लेट सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें एक काम करो, जैसे हमें ना 1000 रुपये उधार लेने हैं, लेकिन आप हमें 1000 मत दो, आप हमें सिर्फ 900 रुपये उधार दो, लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी तो हम आपको पूरे 1000 रुपये देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट ने आपसे 900 रुपये लिए और पेमेंट के टाइम 1000 रुपये दिए, तो 100 रुपये आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। यानी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है तो डिस्काउंट पे करती है, और जब पेमेंट की बात आती है, रिडीम कौन होता है? पेमेंट करना, पेमेंट की बात आएगी तो पार वैल्यू पे करेगी। पार वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये, यानी जो उसकी रियल वैल्यू होती है उस पर करेगी। तो जो 100 रुपये गवर्नमेंट ने आपसे कम लिए थे वही आपकी क्या बन जाएगी? इनकम। अलग से कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रेजरी बिल का जो टेन्योर पीरियड होता है, ट्रेजरी बिल का जो टेन्योर पीरियड होता है, यानी इसकी पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, गवर्नमेंट कितने लंबे समय तक के लिए उधार ले सकती है, तो 91 डेज,
182 डेज और 364 दिन के ही लिए उधार ले सकते, इससे ज्यादा का उधार नहीं ले सकते। तो सर ट्रेजरी बिल क्या शॉर्ट टर्म लोन होता है? अरे वाह, तुम बिल्कुल अच्छे समझे, ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म की उधारी होती है, लॉन्ग टर्म की उधारी नहीं होती है। चलो ठीक है सर, इसके बाद क्या हुआ, ट्रेजरी बिल का एक छोटा भाई आया जिसको बोलते हैं 14 डेज ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं? 14 डेज ट्रेजरी बिल बोलते हैं। अब बेसिकली इसका काम क्या है, सेम वही काम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो बिल है ये किसी जनता को नहीं इशू किया जाता, ये जो बिल होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। यानी स्टेट गवर्नमेंट इस टाइम क्या दे रही है, फंडिंग दे रही है, लेकिन कितने दिनों के लिए दे रही है, मात्र 14 दिनों के लिए दे रही है। तो इसको वन टैप ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है। वन टैप मतलब एक मुश्त दे दो और तुरंत हम आपको 14 दिन के अंदर आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ होता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस। मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, बट अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूं, रुको। इंटरनेशनल फाइनेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, अभी क्या चीज होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, देखो क्या होता है। आप जानते हो हमारी जो इंडिया, मैं आपको पीछे चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, हमारी इंडिया IMF की मेंबर है, हमारी इंडिया IBRD यानी वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर है, ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट की भी। तो जब किसी भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होते हैं तो हमें उसमें मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। अगर ये मेंबरशिप फीस हम चाहें तो वापस ले सकते हैं। जैसे इंडिया ने बोला कि अब हम वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं रहना चाहते, तो अभी काम करो, अभी तक जितने सालों से, यानी 1944 से जब हम इसके मेंबर हैं, तो हमने अभी तक जितनी भी सालाना फीस दी है वो सारे फीस हमको हमारी रिफंड कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि कल को अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है हम अपनी मेंबरशिप को बेचकर वो पैसा वापस ले लें। तो जितना हमने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो पैसा हम अपना ले सकते हैं। कई बच्चे ये सोच रहे थे कि सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो एक्सटर्नल बोरिंग्स में आएगी जो आउटसाइड द कंट्री ली जाती है। दोस्तों यहां पर उधार नहीं लिया, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कंट्रीब्यूशन हमने वापस ले लिया, बस हमने कोई लोन नहीं लिया, बल्कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन हमने क्या कर लिया, यहां से वापस निकाल लिया, ठीक है। इसीलिए इसको हमने इंटरनल के ही अंदर रखा है। इसके बाद हमारे पास पांचवा तरीका होता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। अभी क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे हमारे पास जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होता है NSSF होता है, या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम SSS जिसको बोलते हैं, इस स्कीम के तहत भी गवर्नमेंट इंटरनल बोरिंग यहाँ पर कर सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इंटरनल बोरिंग में आपके क्या क्या हो गए, आपकी डेटेड सिक्योरिटी होगी, आपका ट्रेजरी बिल हो गया, आपका 14 डेज ट्रेजरी बिल हो गया, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो गया, और सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग हो गया, जिसके अंदर आपका SSS मॉडल आ गया। SSS मतलब सिक्योरिटी, जो SSS होता है इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स आती हैं, और आपकी NSSF आती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स वगैरह आ गए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल बोरिंग्स की। अच्छा, एक्सटर्नल बोरिंग नाम से समझ आ रहा है, ये बोरिंग ऐसी होती है जो हम आउटसाइड द स्टेट लेते हैं। जब हमारे बायलेटरल रिलेशंस किसी कंट्री के साथ अच्छे होते हैं तब हम ये लोन किसी दूसरी कंट्री के मेंबर्स के साथ ले सकते हैं, और हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं बाहर वालों के साथ। बेसिकली ये बात किसकी कर रहे हैं, लाइक IMF की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हम लोन ले सकते हैं। और जब हम इनसे लोन लेते हैं तो ये अपनी करेंसी में लोन देती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसमें आपकी कौन कौन सी पांच बास्केट ऑफ करेंसी आती है SDR के अंदर, आपको बता दो। इसके अंदर आपकी आती है डॉलर, इसके अंदर आपका आता है यूरो, इसके अंदर आपका आता है पाउंड, इसके अंदर आता है जापानीज येन, इसके अंदर आता है चाइनीज युआन। ये पांच करेंसी को मिला के हमने क्या बनाई है, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट बनाई है। इसके थ्रू भी हम IMF से लोन ले सकते हैं। दूसरा हम जो लोन ले सकते हैं वो ले सकते हैं IBRD से। IBRD में अगर हम IDE को जोड़ दें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जोड़ दें, तो यही हमारा बन जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पांच ग्रुप है, जिनमें से दो को जोड़ देते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक बन जाती है, ठीक है। हम यहां से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। और हम तीसरा लोन ले सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो एशियाई जो डेवलप एशिया में वाले जितने भी रीजन है उनके लिए एक बैंक बनाई, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा चौथा और होता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं सॉवरेन फंड्स। सॉवरेन फंड को इशू करके भी गवर्नमेंट बाहर से पैसा ले सकती है। फिर होता है फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट होती है, कुछ गवर्नमेंट कहती है चलो हम आपको फाइनेंशियली असिस्ट कर देते हैं, आप क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, हम आपको पैसा दे देते हैं। तो फाइनेंशियल फॉरेन गवर्नमेंट भी हमें एक्सटर्नल एड प्रोवाइड करवा सकती है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया। तो अब
इतना जो मैंने आपका बेस बनाया इससे आपके दो टॉपिक कवर हो गए, जाने ही अनजाने में। जानते हो दोस्तों, आपने जिस मेहनत से इस चीज को सीखा है ना उससे आपके दो टॉपिक कवर हो गए। एक तो टॉपिक कवर हो गया हमारा पीडीएमए का, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी का, और दूसरा टॉपिक कवर हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल बोरिंग्स का। बट मैंने पहले पूरा बेस बताया क्योंकि जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है ना तो चीज समझ में आती है। इवन मैंने आपको ये तक बता दिया कि भारत के संविधान, थोड़ी बहुत मैं पॉलिटी भी करा देता हूँ इकोनॉमिक्स के साथ साथ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि कौन से आर्टिकल में किसको क्या पावर दी गई। 292 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरिंग्स की पावर है और 293 में स्टेट गवर्नमेंट को बोरिंग्स की पावर है। फिर 12th फाइनेंस कमीशन जब आया तो इसने क्या बोल दिया कि आप आउटसाइडर से भी यहाँ पर लोन ले सकते हो। बताओ ये पूरी कहानी समझ आई, जिसको ये कहानी समझ आएगी मान के चलो से बहुत कुछ चीजें समझ आई। ये दो टॉपिक तो समझ में आ ही गए हैं, ठीक है। चलो अब मैं इन्हीं टॉपिक को एक बार आपकी बुक से कराता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पब्लिक डेट, ठीक है। पब्लिक डेट की रिगार्डिंग बात बोली है। अच्छा ध्यान देना, पब्लिक डेट में क्या बोला गया कि पब्लिक डेट जो होती है एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसके यहाँ पर पैसों की कमी चल रही है। डेट टू द गवर्नमेंट, ध्यान देना, While the Union Government of India is mandated to borrow inside or outside to the country, the amount is specified by the Parliament Article 292. Central Government को ये power दी गई है Article 292 के तहत कि अगर उनके पास पैसों की कमी चल रही है, government deficit में चल रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो बाहर से भी और insider से दोनों जगह से loan ले सकती हैं। और State Government को power दी गई कि अगर वो चाहें तो Article 293 के through वो borrowing कर सकती है, लेकिन inside the country कर सकती है, वो बाहर कहीं से भी loan नहीं ले सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक बारहवीं फाइनेंस कमीशन, बारहवीं डॉलर नहीं बोला, 12th बोल रहा हूँ, 12th फाइनेंस कमीशन जो कि 2005 से 10 के बीच में आया था, इसने ही बोला कि अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी बाहर से एक्सटर्नल बोरिंग कर सकती है, लेकिन वो तभी बोरिंग कर सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये आश्वासन दे, ये गारंटी ले कि अगर कल कोई स्टेट पैसा नहीं दे पाई तो वो पैसा सेंट्रल देगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये गारंटी ले ले तो स्टेट गवर्नमेंट भी बाहर से पैसा उधार ले सकती है। बोलो क्लियर हुआ, तो आपको ये चीज समझ आ गई। अब जब हम पैसा उधार बाहर से लेते हैं तो हमारे पास तीन टाइप की सिक्योरिटीज होती है, तीन जगहों से। एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और एक आपका पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी होती है। अभी नहीं मैंने आपको पढ़ाया था कि तीन टाइप की बोरिंग होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें दे रखी हैं। अब बात करते हैं इंटरनल सेगमेंट की, यानी इंटरनल लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटी होती है जो हम इनसाइड द इकोनॉमी यानी अपनी कंट्री के अंदर ही जो हम उधार ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपने पास, इंटरनल सेगमेंट बोलते हैं। इंटरनल सेगमेंट में आपकी आती है डेटेड सिक्योरिटी, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कूपन बॉन्ड्स वगैरह इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर लेती है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल बोलते हैं। ये इशू तो आरबीआई करता है लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और पार पे रिडीम किया जाता है, तो जो बीच की डिफरेंस वैल्यू है वही इनका जो होता है इंटरेस्ट का अमाउंट मान जाता है। और ये 91, 182 और 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। बोल सकते हो कि जो ट्रेजरी बिल है वो एक शॉर्ट टर्म की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास 14 डेज ट्रेजरी बिल, ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर सेंट्रल इशू करती है सिर्फ स्टेट को, या फॉरेन सेंट्रल को इशू कर सकती है और किसी को नहीं इशू कर सकती है, जो कि 91 डेज के लिए होता है, जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 3% होता है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। फिर हो गया सिक्योरिटीज इशू टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इनको हम सिक्योरिटी इशू करके भी लोन को बोरो कर सकते हैं। फिर आ गया सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, जैसे मैंने आपको बताया था SSS स्मॉल सेविंग स्कीम के थ्रू, या NSSF स्मॉल सेविंग स्कीम फंड के थ्रू हम यहां पर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके हम बात करते हैं अपने पास एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल सेगमेंट्स में क्या होता है कि हम बोरिंग्स तो कर सकते हैं, लेकिन हम बोरिंग्स कहां से करेंगे, बाहर से करेंगे, इनसाइड यानी इंडिया से नहीं करेंगे। और हम बाहर से बोरिंग किन-किन से कर सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, लोन फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट सॉवरेन फंड, फॉरेन गवर्नमेंट या एक्सेट्रा, इन सबसे क्या ले सकते हैं, अपने पास लोन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ना था, इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट। ये इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत सारे आइडिया निकाले और तब जाके पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी को बनाया गया। इसको कब बनाया गया था, इसको प्रपोज किया था यूनियन बजट 2015-16 के अंदर। याद करो मैंने आपको ये नहीं बताया था, यूनियन बजट 2015-16 के अंदर पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया गया, जो ये बताएगी कल को डेफिसिट सेक्टर आता है या डेफिसिट होता है तो ऐसे में नेशनल डेट को कहां से लिया जा सकता है, उसका पूरा मैनेजमेंट
मैनेजमेंट कौन करेगा? पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी करेगी। और इसने कई सारे प्रपोजल को, इवन आरबीआई के ऊपर जो बहुत बड़ा बर्डन था, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया। और देखा गया कि यहाँ पर मैनेजमेंट कर पाना इस एजेंसी के लिए आसान काम था, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली काम ही यही था। तो जो जिस काम में परफेक्शन लेकर बैठा है, उसके पास एक ही काम है, तो उस काम को ज्यादा अच्छे से करता है। अल्टीमेटली से गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है वो काफी सुधरता हुआ यहाँ पर नजर आया। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये दोनों के दोनों टॉपिक कर लिए। दोस्तों पता नहीं बच्चों को ना टॉपिक ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। बस आप दिल से और मन से पढ़ोगे तो रियलिटी में सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा टारगेट था हमने वो पूरा अचीव कर लिया। अब एक बार मैं टिक कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए कि आज जो हमने किया वो बिल्कुल नहीं सही, तो हमने किया लेकिन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज हमने पब्लिक डेट कर लिया और इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट कर लिया। बोलो क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 18 में अभी हमने ये वाले टॉपिक कर लिए। बच्चों टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमें इनिशिएट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ये बेनिफिट उन तक भी पहुंच जाए। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।